ह्यूमन आई एंड कलरफुल फर, ये एक चैप्टर है क्लास 10th का जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट ह्यूमन आई में, ह्यूमन आई इट्स फंक्शन और उसके रिलेटेड जितने भी डिफेक्ट्स हैं वो सब पढ़ेंगे। और सेकंड टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन और रेनबो फॉर्मेशन। तो ये अलग अलग टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में जल्दी से डिस्कस करते हैं। सो ह्यूमन आई हमारे बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जिसकी हेल्प से हम देख पाते हैं। सो इट्स डायमीटर इज़ अप्रॉक्स 2.4 सेंटीमीटर्स। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि कॉर्निया हो गया, आयरिस, सिलियरी मसल्स, ये इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनका अलग अलग अपना एक फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट क्या है। व्हाट इज़ लाइट? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। और यही लाइट जो है प्यूपिल के थ्रू हमारे आई के अंदर एंटर करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसकी हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सो अनदर इज़ द ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ कॉर्निया, आयरिस एंड प्यूपिल। इसके अलावा और पार्ट्स हैं जैसे कि कॉर्निया, ये एक आउटर मोस्ट पार्ट होता है आई का जो कि हमारी आई को प्रोटेक्ट करके रखता है और जिसकी हेल्प से लाइट एंटर कर पाती है हमारे आई के अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्यूपिल का जो साइज है वो किस अकॉर्डिंग चेंज होता है, मतलब कि प्यूपिल का साइज इंक्रीज या फिर डिक्रीज किस तरह होता है। तो प्यूपिल का साइज इंक्रीज या फिर डिक्रीज अमाउंट ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। सो जो आयरिस है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, ये मेन फंक्शन होता है आयरिस का। सो हेयर इज अ ब्रेनस्टॉर्म एक्टिविटी इन विच यू हैव टू टेल मी दैट कैन यू स्पॉट द फुटबॉल। ये एक डार्क रूम है और इसमें आपने ये बताना है कि क्या आपको फुटबॉल दिख रही है या नहीं। तो अगर आपको फुटबॉल दिख रही है, इट मीन्स द साइज ऑफ द पीपल इंक्रीजेस टू सी द ऑब्जेक्ट इन अ डिम लाइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ आइज लाइक मायोपिया एंड प्रेसबायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस, इन विच हमें जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो पास का ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं बट दूर का ऑब्जेक्ट हमें नहीं देख पाता। और प्रेसबायोपिया होता है जिसमें ना तो पास का ऑब्जेक्ट और ना ही दूर का ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं। सो द फर्स्ट रे डायग्राम इज़ ऑफ मायोपिया, जिसमें इमेज जो है वो रेटिना के आगे बन रही है। तो उसको करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है जिसकी हेल्प से हमें जो है फार ऑब्जेक्ट ईजिली दिख जाता है। सेकेंड रे डायग्राम हाइपरमेट्रोपिया की है, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो रेटिना के पीछे बैक साइड पर बनता है, मतलब बिहाइंड द रेटिना, और उसको करेक्ट करने के लिए कन्वेक्स लेंस की यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑफ कलरफुल फर्ल्ड। द फर्स्ट टॉपिक इज़ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जिसमें एक वाइट लाइट को पास करवाया जाता है ग्लास प्रिज्म से, ताकि वो फिर नेक्स्ट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, और जिसको नाम दिया जाता है विप क्योर। विप क्योर मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड की और सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, हाउ डू रेनबो फॉर्म? तो रेनबो क्या है? एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो कि रेनफॉल के बाद ही नजर आता है। इसमें जो सन रे है या वाइट रे है वो रेन ड्रॉप में से पास करती है, जिस वजह से हमें क्या है रेनबो दिखता है। और इसमें 3 फिनोमेना होते हैं, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। सो द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। तो स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? एक्चुअल में स्टार्स ट्विंकलिंग नहीं करते, ये हम अज्यूम करते हैं कि वो ट्विंकल कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो स्टार लाइट एंटर करती है अर्थ एटमॉस्फेयर में, उसमें होता है रिफ्रैक्शन, जिस वजह से जो लाइट की इंटेंसिटी है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कंटेक्ट पे आके स्टार्स की ट्विंकलिंग करवाती है, जिस वजह से हमें लगता है कि स्टार्स एक्चुअल में ट्विंकल कर रहे हैं, बट दे जस्ट appears or assumes us that it twinkles. So if you like this video, just subscribe the channel and do hit a like button. Thank you.